जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं, तो ये तीन बातों का ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दे। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी भी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूँ, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। सूत्र एक, कभी पैसे न गवाए। सूत्र दो, सूत्र एक को कभी न भूलें। जब तक कि कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता, वो सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा, और ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं
और मजबूत होते हैं और इस तरह हमें नई राह दिखती है। और कभी कभी यही प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या फिर बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वो आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वो काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल ये है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी का जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देती है। लीडर्स लोगों के सामने आते हैं और पैमानों को ऊंचा उठाकर रुके रहते हैं और उन्हीं पैमानों से वे खुद को भी परखा जाना पसंद करते हैं। महान कंपनियों के काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान लीडर से शुरू होता है। निराशावादी अंत में सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अपने जीवन में उतार लो तो आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सभी के साथ शेयर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।